नमस्कार बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति और बढ़ते हैं खबरों की ओर। मोकामा प्रखंड के हाथीदह में गंगा नदी पर रेल पुल निर्माण कार्य की प्रगति का हाजीपुर पूर्व मध्य रेलवे के अधिकारियों की एक टीम ने निरीक्षण किया। हाजीपुर पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य प्रशासनिक निर्माण अधिकारी अशोक कुमार ने निर्माणाधीन गंगा रेल पुल का जायजा लिया। इस दौरान दानापुर मंडल के अन्य रेल अधिकारियों ने भी रेल पुल निर्माण कार्य की प्रगति पर संतोष जताया। उधर चमकी बुखार से हो रही मौत को लेकर राजनीति जारी है। विधानमंडल के चालू सत्र में विपक्ष ने इस मुद्दे पर नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने कहा कि इस मामले में सीएम नीतीश मासूमों की मौत पर सदन से माफी मांगे। राबड़ी ने कहा कि अगर बच्चों की मौत पर पीएम बोल सकते हैं तो नीतीश कुमार आखिर क्यों नहीं बोल सकते। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से तत्काल इस्तीफे की भी मांग की है। अब आप बिहार न्यूज टीवी को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए प्ले स्टोर से आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि बिहार की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।